Welcome to my maths class. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel to get the intimation of future videos. My this video is about trigonometric formula of class 11 maths. Let's three angles are A, B, C. Why three angles? Because a right angle triangle is always having three angles. So three angles are A, B, C. And most trigonometry is the functions where sine theta, cos and tan mean, and then reciprocal of these words 1 upon cosec, 1 upon secant and 1 upon cot. So mainly trigonometry is revolving around these functions. Let us start with the simple one. Sine A plus B. Sine B plus C. Sine C plus A. Same way, cos A plus B, cos B plus C, and cos C plus A. So what will be the result of these identities? Since A plus B is there, the third angle remaining is C. B plus C there, third angle remaining is A. C plus A is there, third angle remaining B. A plus B there, third angle remaining C. B plus C there, third angle remaining A. C plus A there and third angle remaining B. Now, function you have to put here, sine, isn't it easy way? Now, function you have to put here, cos. But always see children, in future also you will find that cos is always negative in some way or another way. So here we will put a sine here, minus. Minus cos. You can understand कि साइन बहुत अच्छा होता है और कॉस बुरा होता है. तो बुरा चीज जो लोग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. इस वाले लॉजिक को लेते हुए हम ये फार्मूलों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. मैं रिवाइज कर देती हूँ कि साइन का ए प्लस बी बना साइन सी, साइन बी प्लस सी बना साइन ए, साइन सी प्लस ए बना साइन बी. पहले हमने इनके फार्मूलों को एक साथ लिख लिया, उसके बाद जो रिजल्टेंट एंगल है वो लिखा और उसके साथ हमने साइन लगा दिया. इसी तरह ए प्लस बी की जगह सी लिखा, थर्ड वाले को लिखा, सी प्लस ए की जगह बी को लिखा और उनके साथ सबके साथ कॉस लगा दिया. और कॉस का क्योंकि नेगेटिव नेचर है तो माइनस साइन लगा दिया. कहीं जहां प्लस होता है वहां मोस्टली कॉस का नेगेटिव होता जाता है, जहां नेगेटिव होता है वहां कॉस के लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है. अब हम इनका हाफ लेके चलेंगे. हाफ लेने के लिए एंगल पहले ए प्लस बी था, अब हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू. इसी तरह बी प्लस सी बाय टू, ए प्लस सी बाय टू. किसका? साइन का, राइट? अब रिजल्टेंट सोचेंगे. रिजल्टेंट है इसका क्योंकि साइन बहुत अच्छा है तो इसका हाफ होते ही साइन कॉस को दे देता है. तो रिजल्टेंट वैल्यू तो सेम उसी तरह से हो गई, सी बाय टू, ए बाय टू, बी बाय टू, राइट? और इसके साथ जो फंक्शन लगेगा वो अपोजिट हो जाएगा, कॉस कॉस कॉस. ठीक है, अब हम कॉस के लिए देखते हैं. कॉस ए प्लस बी,
cos b plus c by 2 by 2 and cos a plus c by 2. Cos ka nature kya hai? यहाँ पे भी सिंस हाफ हो चुका है, हाफ मीन्स 90 डिग्री का एंगल का लॉजिक लेते हुए ये भी बन जाएगा ए प्लस बी का रिजल्टेंट हो गया सी बाई टू, बी प्लस सी का रिजल्टेंट हो गया ए बाई टू और ए प्लस सी का रिजल्टेंट हो गया बी बाई टू, क्योंकि ये हाफ हो गया एंगल जो पहले था ए प्लस बी, अगर हम 180 समझे तो ये 90 डिग्री हो गया, तो कॉस उसका हो जाता है हमारा साइन, साइन सो ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू सी बाय टू, साइन ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू कॉस सी बाय टू, इजी है, साइन का कॉस बन गया प्लस बाय टू होने से थर्ड एंगल के अपॉन बाय टू हो गया, कॉस का साइन बन गया, यहां पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा, साइन ए प्लस बी हमें क्या देखा था वहां पे कॉस सी हो गया था, साइन ए प्लस बी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अब साइन ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे, सेम रहेगा ये एक्सप्रेशन, बस साइन इसका बदल जाएगा माइनस का, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी।